नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको टाइटैनिक जहाज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। टाइटैनिक जहाज जिसे बनाने में सिर्फ 26 महीने लगे, 17 मंजिला इमारत जितना लंबा ये जहाज था और 3500 से भी ज़्यादा यात्रियों को ये ले जा सकता था। ऐसा कहा जाता है कि जब ये जहाज पूरी तरह से तैयार हुआ था, इतने विशाल जहाज को देखने के लिए 1,00,000 से भी ज़्यादा लोगों की भीड़ वहाँ पर इकट्ठा हो गई थी। जहाज साउथहैम्पटन इंग्लैंड से अपनी उद्घाटन यात्रा पर रवाना हुआ था, लेकिन उत्तरी अटलांटिक में डूब गया था। ये जो त्रासदी हुई थी, ये इतिहास की सबसे घातक घटनाओं में से एक मानी जाती है। टाइटैनिक को बनाने का जो जिम्मा था वो व्हाइट स्टार लाइन ने लिया था। 31 मार्च 1909 को बेलफास्ट आयरलैंड में इस लग्जरी जहाज का निर्माण शुरू किया था। 31 मई 1911 को इस जहाज को पूरी तरह से तैयार कर लिया गया था और 1912 में ये अपनी पहली और आखिरी यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका था। इस जहाज की ऊंचाई की बात करें तो 175 फीट और लंबाई थी इसकी 882 फीट 9 इंच। तो उस समय इसे बनाने में लगभग $7.5 मिलियन का खर्चा आया था। इसने अपनी जो यात्रा थी वो 10 अप्रैल 1912 को शुरू की थी। इस जहाज ने इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क तक 5,507 किलोमीटर की यात्रा करनी थी और जब ये अपनी यात्रा पे निकला था तो इसमें चालक दल के 908 सदस्यों सहित टोटल 2,223 लोग सवार थे। अब बात करते हैं ये कैसे डूब गया। इतना बड़ा जहाज जिसके बारे में उस समय ये विख्यात था कि ये जहाज कभी डूब ही नहीं सकता है, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो जहाज डूब गए। तो यात्रा के पहले चार दिन, मतलब कि 10 अप्रैल 1912 को इसने अपनी यात्रा स्टार्ट की थी, उससे चार दिन तक तो ये जहाज अपने लक्ष्य की ओर अच्छे से गया और 12 अप्रैल 1912 को, यानी कि दो दिन बाद, इसको 6 बर्फ की चट्टानों की चेतावनियां मिली थी। कप्तान को लगा कि जैसे आइसबर्ग आएगा तो जहाज वहां पे मुड़ जाएगा। बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो पाया। जैसे ही आइसबर्ग आया तो आइसबर्ग से वो टकरा गया क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा थी। यात्रा करने के ठीक चार दिन बाद ये घटना हुई थी, 14 अप्रैल 1912 को रात के 11:40 पे टाइटैनिक आइसबर्ग से जा टकराया था। और इस टकराव के कारण क्या हुआ कि जहाज का जो तल था आगे की साइड का, उसमें एक छेद हो गया। इस जहाज के निचले हिस्से में पानी भरने लग गया और पानी भरने लगा तो उससे जहाज जो है वो धीरे धीरे डूबने लगा। 2:20 पे ये पूरी तरह से अटलांटिक महासागर में समा गया था। लोगों को बचाने की जो मुहिम थी वो स्टार्ट की गई। जब ये डूबना स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले जो है प्राथमिकता दी गई महिलाओं और बच्चों को। टाइटैनिक जहाज में 64 लाइफ बोट जो है रखी जा सकती थी, लेकिन उस समय पर, उस आपदा के दौरान, उस जहाज में सिर्फ और सिर्फ 20 लाइफ बोट्स मौजूद थी। क्या इस हादसे को रोका जा सकता था? तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ, इसको रोका जा सकता था, क्योंकि इस जहाज को 6 बार पहले भी चेतावनियाँ मिल चुकी थी कि आगे आइसबर्ग है, लेकिन फिर भी इस जहाज की जो स्पीड थी वो कम नहीं की गई, जिसके कारण वो उस आइसबर्ग से टकरा गया। और दूसरा कारण था, इसमें लाइफ बोट्स का, मतलब जितनी लाइफ बोट्स होनी चाहिए थी उतनी लाइफ बोट्स का ना होना, तो इस कारण से सिर्फ 700 लोगों को ही बचाया जा सका। बाकी के जो लगभग 1500 लोग थे वो मारे गए। टाइटैनिक जिस पानी में डूबा था उसका टेम्परेचर इतना कम था कि 20 मिनट के अंदर जो है वो इंसान की हड्डियों को गला सकता था, और ऐसा ही हुआ भी।
जिन लोगों ने जहाज में पानी के भर जाने के बाद तैर के अपनी जान बचाने की कोशिश की वो लोग भी मारे गए, क्योंकि पानी का जो टेम्परेचर था वो -2 डिग्री था। कैसे इस त्रासदी में भी कुछ लोगों ने अपना साहस का प्रदर्शन किया। इस जहाज में म्यूजिशियंस की एक टीम मौजूद थी। जहाज जब डूबना शुरू हुआ तब से वो म्यूजिक बजाते रहे। ये उनका साहस ही था जो अपने जीवन के लास्ट टाइम में भी उन्होंने दूसरों के बारे में सोचा। टाइटैनिक को डूबने में कितना टाइम लगा? 11:40 पर ये एक आइसबर्ग से टकराया था और उसके लगभग 2:40 बाद, मतलब कि लगभग 2:20 के आसपास, ये पूरी तरह से अटलांटिक महासागर में डूब गया था। तो जैसे ही बर्फ से ये टकराया था तो ये 2 पार्ट्स में बट गया था और इन दोनों पार्ट्स के बीच की जो डिस्टेंस थी वो 600 मीटर थी। तो ये जहाज 1912 में डूबा था, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका मलबा ढूंढने में ही 75 साल लग गए। यानी कि 1 सितंबर 1985 को टाइटैनिक का मलबा समुद्र में खोज लिया गया था और तभी ये पता चला था कि ये 2 टुकड़ों में बट गया था। मिलविना डी, जो कि एक 2 महीने की बच्ची थी उस टाइम पे, जिसे टाइटैनिक डूबने के बाद बचाया गया था, उनका निधन 97 वर्ष की उम्र में 31 मई 2009 को हुआ था। तो ये थी टाइटैनिक जहाज से जुड़ी कुछ जानकारी। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी और इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।